अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। वेलकम टू माय चैनल पॉली सब्जेक्ट लेक्चर्स। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक विलियम शेक्सपियर, द पर्सनैलिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर, हिज वर्क्स, हिज फैमिली, हिज डिवीजन ऑफ वर्क एंड हिज टोटल लाइफ इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ड्यूरिंग एलिजाबेथ एंड जैकोबियन एज। प्रोलिफिक राइटर मीन ऐसा राइटर जो कि मल्टी टैलेंटेड होता है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी वाला पर्सन होता है, उसको कहते हैं प्रोलिफिक। प्रोलिफिक राइटर था एलिजाबेथ एंड जैकोबियन एज, सो वी कैन से दैट ही विटनेस टू एजेस। ओके डियर स्टूडेंट, and he was born on 1564 in Stratford Avon upon that is situated in United Kingdom. He was died on 1660s. He was an English playwright, poet and actor. He is regarded as the greatest writer in the English language and the world preeminent dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. सो यहाँ पे कहा गया है कि वो जो है इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे, ऑथर थे, एक्टर थे, उनको रिवाइज़र ऑफ द प्ले भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं जो हिस्टोरिकल पे बेस हैं, जो कॉमिक पे बेस हैं या ट्रेजिक पे बेस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन प्लेज को रिवाइज़ किया। सो वी कैन ऑल्सो से ही इज़ अ रिवाइज़र ऑफ द प्ले, ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ एवन। उनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड जो है इसका मतलब है पोइट, ठीक है, पोइट ऑफ Avon, because he was born on Avon, so that is why he is called poet of Avon. Okay dear student, next I will discuss about the Shakespeare family, how many brother, sister and children he had. His father name was John Shakespeare. He was a leather merchant and we can say that a glove maker. He married with Mary Arden. It means Shakespeare mother name was Mary Arden and together they had 8 children. और कितने बच्चे थे? 8 children. He had 3 brothers. उसके कितने भाई थे? 3 brothers. Shakespeare के 3 brothers थे. कौन कौन से? Number 1 Gilbert, number 2 Richard, number 3 Edmund. ठीक है, और इसकी 2 sisters थी, एक का नाम था जॉन और दूसरी का नाम था जोदित। ओके डियर स्टूडेंट, विलियम बिकेम देयर एल्डेस्ट चाइल्ड। जॉन शेक्सपियर वर्क एज ए ग्लव मेकर। शेक्सपियर मैरिड टू एन हैथवे। द नेक्स्ट, शेक्सपियर की जो अपनी फैमिली है उसके बारे में बताया जा रहा है कि शेक्सपियर ने एन हैथवे के साथ शादी की थी, कब? 1582 में। विद होम ही हैड 3 चिल्ड्रन, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। नंबर 1 जो है वो सुजैना है एंड ऑन द सेकेंड हेमनेट एंड जूथिथ, एंड जूथिथ वर ट्विन। सो डियर स्टूडेंट, and then I will discuss about his works. Altogether, Shakespeare works include 38 plays, 2 narrative poems, 154 sonnets and a variety of the poems. If we talk about his 2 narrative poems, they are Venus and Adonis, to which he wrote in 1593, and The Rape of Lucrece, to which he wrote in 1594. Then agar hum 154 sonnets ki baat kare to inki bhi division hai, theek hai, inhone 1 se 126, स्टूडेंट्स आप नोट कर लें, 1 से 126 जो पोएम है इन्होंने यूथ के लिए लिखी, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। उनका मकसद यहाँ पे जो उनका एक पर्पस था वो यूथ को एलिमिनेट करना था, ठीक है। देन जो है उनकी सेकंड डिवीजन इसी में से 154 सोनेट्स जो है उसमें 127 से 152 इन्होंने डार्क लेडी के बारे में लिखा। फिर उसके बाद 153 से 154 इन्होंने ग्रीक्स के बारे में लिखा था। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस 154 सोनेट्स की ये डिवीजन है। द नेक्स्ट जो है इनके वर्क्स की भी डिवीजन है। इसके जो वर्क है ना वो 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइडेड है, हिस्ट्रीज में है, कॉमेडीज में है, उसके बाद ट्रेजिक में है, उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी, जो कि ट्रेजिडीज और कॉमेडीज का एक मिक्सचर, जिसे हम कह सकते हैं कि वो मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है इन्होंने हिस्ट्री बेस्ड जो है ना वो प्लेज लिखे। वो इरा जो है वो स्टार्ट होता है 1577 से 1593 तक। इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं उनकी जो एग्जांपल्स है वो ये है, हेनरी सिक्स, ये एक प्ले था हेनरी सिक्स, जो कि हिस्ट्री पे बेस करता है, ठीक है, और उसके पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, इसको भी फर्दर उसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कैसे?
एक है पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। ओके डियर स्टूडेंट, फिर हेनरी 6, ठीक है, पहले हेनरी 6 सॉरी, फिर उसके बाद रिचर्ड 2 है, रिचर्ड 2nd है, हेनरी 5th है एंड जूलियस सीजर है। ये इसके किस चीज़ पे बेस हैं, हिस्ट्रीज़ के बेस पे, हिस्ट्री के बेस पे। उसके बाद जो कॉमेडीज़ का जो इरा स्टार्ट, यानी हम पीरियड कह सकते हैं, वो स्टार्ट होता है 1594। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सॉरी आई फॉरगेट डैट, 1594 से 1600 तक। इसमें एग्जाम्पल्स जो फॉलो करती हैं वो कौन कौन सी हैं, द मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है, द मिड समर नाइट ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग एज यू लाइक इट एंड 12th night। ये इसमें एग्जाम्पल्स फॉल कर रही हैं। नेक्स्ट इसके वर्क, इनको ही हम कंटिन्यू करेंगे, ट्रेजिडीज़ एंड ट्रेजिक कॉमेडीज़, ठीक है। ट्रेजिडीज़ क्या होती है, हमारे पास कोई भी ऐसा योनरा जो कि सैड एंडिंग से रिलेटेड होता है, वो होता है ट्रेजिडी। अब ट्रेजिडीज़ का जो ईरा है, वो जो पीरियड है, वो फॉल कर रहा है 1601 से 1608 तक। इसमें उसने बहुत सारी जो है प्लेज लिखे, जैसे हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लेयर है, मैकबेथ है, ठीक है। देन जो है ट्रेजिक कॉमेडीज़, अब यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर है, ट्रेजिडीज़ और कॉमेडीज़, ना तो इनको हम प्योरली ट्रेजिक कह सकते हैं और ना ही प्योरली कॉमेडीज़ का कह सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें जो पीरियड है वो 1608 से 1612 के दरमियान है। सिम्बलाइन एक है, उसके बाद है द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मैंने मेन मेन मेंशन किए हैं ताकि आप जो है ना जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो इनको ऐड कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इनके राइटिंग स्टाइल को देख लेते हैं। शेक्सपियर स्टैंडर्ड पोएट्रिक फॉर्म वाज ब्लैंक वर्स, ये जब भी अपनी पोएट्री लिखते थे हमेशा ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद आईएम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है, उसके बाद हम कह सकते हैं पंज यानी जूमानी अल्फाज, उसके बाद इमेजरीज इसने बहुत सारी यूज़ की है। इसका जो मेन स्टाइल था वो आईएम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा करते थे। उसके बाद आईएम्बिक पेंटामीटर वो होता है जिसमें ना 10 syllables होती हैं, ठीक है, 10 syllables होती हैं एक लाइन में, मतलब ऐसा, मतलब syllables होता है एक पार्ट ऑफ वर्ड, तो एक वर्ड के 2 parts, जैसे हम कह सकते हैं कि इमेजरी, ठीक है, तो इसके 3 parts इमेजरी, ठीक है, इसके 3 parts में। अब पहला जो है वो स्ट्रेस होगा, दूसरा अनस्ट्रेस होगा, ठीक है, इसी तरह फिर आगे इसकी फर्दर डिवीजन होती रहेगी। इन हिज राइटिंग प्लेज ही डिड नॉट फॉलो अरिस्टोटेलियन यूनिटीज फॉर विच ही वाज टू मच क्रिटिसाइज। अब इसने अपने राइटिंग प्लेज, क्योंकि यहाँ पे जो अरिस्टोटेलियन जो यूनिटीज थी वो कौन कौन सी थी, वो 3 थी, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस। तो ये वाली, क्योंकि जो यूनिटी ऑफ टाइम थी वो ये रिक्वायर करती थी कि कोई भी प्ले है तो वो 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसने अपने जो प्लेज़ हैं उनको 24 hours के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। और यूनिटी ऑफ प्लेस जो है वो ये रिक्वायर करती है कि जो प्लेस है वो मतलब एक ही कंट्री होना चाहिए, एक ही मतलब एक स्टेट होनी चाहिए, उसी के विदिन जो है ना वो बनाया जाना चाहिए, मतलब प्ले को एक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया। लेकिन एक जो मेन यूनिटी थी, यूनिटी ऑफ एक्शन जो है, वो स्टार्ट से बिगिनिंग एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि कोहेरेंस होना चाहिए इनके दरमियान, तो वो इन्होंने यूज़ की, ठीक है। बाकी 2 unities जो थी इनको इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन फिर भी इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा शानदार हैं जी। तो उसके बाद मैंने जो है ना शेक्सपियर के कुछ एप्रिशिएटिव कोटेशंस लिए हैं जो कि दूसरे राइटर्स ने, हम कह सकते हैं उनके कंटेम्प्रेरीज हो सकते हैं या फिर उनके सक्सेसर्स भी हो सकते हैं। तो उन्होंने जो है इनके बारे में बहुत कुछ लिखा, मतलब इनके वर्क के बारे में, इनका वर्क ऐसा था मतलब कोई इनको कम्पीट नहीं कर सकता था। जैसे बेन जॉनसन ने कहा, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल एजेस, नॉट ऑफ वन कंट्री बट ऑफ ऑल कंट्रीज़, कि वो सिर्फ एक किसी एज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि सब एजेस को। अब कैसे, क्योंकि ये तो जकोबियन और रेनेसेंस एज में थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक एज को नहीं कर रहे थे बल्कि सब एजेस। वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो जो उनकी राइटिंग है वो मतलब अगर हम उनको अप्लाई करें अपनी नेचुरल लाइफ में या अपनी जो प्रेजेंट हमारा ईरा है या प्रेजेंट लाइफ में हम करें अपनी सिचुएशन के, अपनी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, अगर उन पर
हम अप्लाई करें तो हमें एक अथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, मतलब जो उन्होंने कहा वो आजकल भी मिल रहा है, मतलब वो आजकल भी देख, यानी यूनिवर्सैलिटी है अगर देखा जाए तो। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं बल्कि वो सब एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ एक कंट्री को बल्कि हर कंट्री को, हर मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ई एल्बर्ट, उन्होंने क्या कहा, शेक्सपियर इज़ अनराइवल्ड, शेक्सपियर इज़ अनराइवल्ड, अनराइवल्ड का मतलब जिसका कोई बराबरी करने वाला ना हो, इन लिटरेचर फ्रॉम किंग टू क्लाउन, किंग बादशाह से मस्खरे तक, ठीक है, फ्रॉम लुनेटिक, लुनेटिक होता है कोई जुनूनी दीवाना, टू सेंट, सेंट जैसे आपको पता है जैसे एक्लाजोस्टिकल पर्सन होते हैं, एंड सीयर मतलब आम कोई देखने वाला पर्सन, फ्रॉम लवर टू मिस एंथ्रोपोज, मतलब कोई भी ऐसा शख्स जो कि मोहब्बत करने वाला हो, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि इंसानियत से नफरत करने वाला, कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, ठीक। देन नेक्स्ट, अगर हम इनकी डेथ के बारे में बात करें, ही डाइड ऑन अप्रैल 25, 1616 एट द एज ऑफ 52, बरीड एट होली ट्रिनिटी चर्च इन स्टैटफोर्ड। वो 25 अप्रैल 1616 में 52 साल के जब थे तो उनकी डेथ हो गई और होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफनाया गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।